अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं ये 7 संकेत। आप भी जान लीजिए कैसे खुद चलकर आती है धन दौलत। जीवन मृत्यु सुख दुख लाभ हानि खुशी और गम, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं, समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। आप लोगों ने अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों को राजा से रंक और रंक से राजा बनते देखा होगा। समय वो शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता। पर हम लोगों को ये कैसे पता चल सकता है कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? कई ऐसे सारे प्रश्न होते हैं। आप सभी के मन में ये प्रश्न भी अवश्य आते होंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपके जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल जाता है। जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे थे तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री विष्णु जी ने बताया कि वो खुद मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वो अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वो संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने बताए। नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन में योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत जरूर दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ये संकेत भी जीवन में बहुत जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला होता है। घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आ सकता है, तो इसका मतलब ये भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना ईश्वर का ही संकेत है। इससे पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली है। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दायीं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत अगर महिलाओं में बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बायां अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया और पुरुषों में दायां अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।